नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। आज हम बात करेंगे आज की इन युवा पीढ़ी को क्या हो गया। खजाने की तलाश में बर्बाद हो रही है। सेटिंग लाइन जिसे कहा जाता है, कछुआ, उल्लू, दो मुंह का सांप और पुराने जमाने के सिक्के, पता नहीं किस कामों में लगे। मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जा रहे, क्या हो रहा है। इनका तो कुछ जैसे दिमाग ही काम नहीं कर रहा, बस बर्बाद होते जा रहे हैं। लोग अक्सर मुझे मेल करते हैं, मुझे फ़ोन आता है, बाबा वो आप टू व्हीलर पे काम करते हैं, मतलब इनकी भाषा में टू व्हीलर मतलब उल्लू को कहा जाता है, फोर व्हीलर मतलब कछुए को कहा जाता है, और डबल इंजन मतलब दो मुंह के सांप को कहा जाता है। अरे ये कैसे मानसिक रोगी हो रहे हैं, शॉर्टकट पैसा कमाने के चक्कर में। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेहनत की कमाई करो, उसमें आपका भला होगा, दो पैसे मिलेंगे, घर परिवार चलेगा। जो भी इस लाइन के अंदर घुसा है वो सिर्फ और सिर्फ बर्बाद हुआ है। ऐसा कोई बंदा मुझे बता दो जो आबाद हुआ हो। इसमें जो भी घुसता है वो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ बर्बाद ही होकर निकलता है। कर्जे हो जाएंगे, खाने खाने को मोहताज हो जाएगा, लेकिन दिमाग में यही चलते रहेगा, नहीं वहाँ मेरा बड़ा काम होने वाला है, उधर गुड़ाओं का काम है, उधर जमीन में से खजाना निकालने वाले, उधर ये सब कुछ आपकी नज़र का धोखा है। ये सब कुछ इंद्रजाल है, ये सब कुछ भानामती है। भाना मतलब, भान का मतलब होता है बांधना और मति का मतलब होता है दिमाग, यानी भानामती यानी सामने वाला आपके दिमाग को बांध करके बोलेगा ये वो है तो वो वही होगा। लोग सेटिंग लाइन में ऐसे बर्बाद हो रहे हैं, गलत कामों में पड़ रहे हैं कि वो लोग कर्जा ले लेकर अपने आप को बेच कर क्या क्या नहीं कर रहे। कहाँ से कर्जा ब्याज पे उठा रहे, ये कर रहे, दोस्तों से मदद ले, घर परिवार का पैसा, ये वो गाड़ी बंगला घर वगैरह सब बेच के इसमें लगा दिए, लेकिन किसी का भला। भला सिर्फ दो ही लोग का होता है इसके अंदर, एक जो बोलता है कि मैं कारीगर हूँ, दो जो आपको काम पर लगाता है, जाओ इनको ढूंढ के लेके आओ। बाबा नींबू उठाएंगे क्या, नींबू उठता है क्या? अरे नींबू उठाने से आपका क्या भला होगा मुझे ये तो बताओ। आजकल तो सब धागा बांध कर, मास्टर थ्रेड आता है, बांध करके नींबू दिखाते। कभी भी आप देखना वीडियो में, जब आपको वीडियो दिखाया जाता है नींबू उड़ाने वाला, तो आप कभी भी नोट करना, वो आपको सामने से ऐसा ऐसा हाथ करेगा और फिर नीचे से ऐसा पूरा झुक के ऐसा हाथ घुमाएगा, लेकिन जब ऊपर की बारी आती है ना तो वो दूर से करता है, क्योंकि एक धागा होता है मास्टर थ्रेड, वो दूर से और कहीं और से कोई खींच रहा होता है पूरी तरह से। कभी बोलता खुले आसमान के नीचे तो एक झाड़ होगी, डाल होगी, लकड़ी होगी, कुछ तो होगा कहीं ना कहीं से वो लटका के। और कभी भी आप उस पोजीशन को देखना जब वो नींबू उठता है, तो वो पोजीशन को आप देखना, कभी भी वो ऐसे हिलते 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 जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई शक्ति होती तो शक्ति सीधा उठाती है, सीधा रखती है, लेकिन यहाँ देखना कोई ना कोई चीज़ ऐसा हिलते 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 जाएगी। फिर भी लोगों के समझ में नहीं आता, जब वो नीचे आता है तब आप देखना कैसा हिलते हिलते आता है। यानी ये सब चीजें जो है बस बेवकूफ बनाने के तरीके हैं और कुछ नहीं है। ताला खुल जाता है, काली हल्दी रखने से ताला खुल जाता है, ये क्या है भाई। पहली बात, जो ताला रखा जाता है वो ज्यादातर रिमोट वाले ताले होते हैं जो बटन से खुल जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है। अगर ऐसी चीजें आपको मिलती भी तो आप इसका क्या करोगे, किस काम की है मेरे को ये तो बताओ। फिर इसको वहाँ देना पड़ेगा, वहाँ नासा में टेस्ट होगा, यहाँ टेस्ट होगा, वहाँ इसकी टेस्टिंग होगी, तो उसमें इतना पैसा भरना पड़ेगा, ये चीज़ काम का, वो चीज़ काम का, कुछ नहीं होता है, सिर्फ बर्बाद है। पुराने ज़माने के सिक्के ढूंढते फिरते हैं, इसमें ये काम है, पुराने ज़माने के नोट ढूंढते फिरेंगे, इससे ये होगा। अरे बेच के दिखाओ कुछ बिकता है क्या, पहले मुझे ये तो बताओ। ये सब चीज़ें करने से पहले आप अपने परिवार का मुँह तो देखो, अपने घर के अंदर क्या चल रहा है वो तो देखो। बहुत से ऐसे लोग मुझे मिले, ऐसे लोग जो इस तरह की बातें करते हैं, मिलते हैं दिमाग से। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसमें से सब गलत हो गए, ऐसा नहीं है, विद्या होती है लेकिन बहुत कम, 100 में से 2% लोगों के पास ये विद्या मैं बोल सकता हूँ कि ओरिजिनल होगी। वो भी पुराने ज़माने के होंगे, प्राचीन होंगे, जो उनके गुरु द्वारा, गुरु से सीने ब सीना मिलते हुए चला आया होगा, या गुरु ने अपने शिष्य को दिल से सिखाया होगा, तो वो उनके पास ये विद्या हो सकती है, मैं इतना कह सकता हूँ। लेकिन हर कोई ये विद्या को नहीं कर सकता, और ज़्यादातर लोग आजकल बस एक दूसरे को बेवकूफ़ बना करके, बस ये करना है वो करना है, मैं इतना पैसा गिरा दूंगा, ये चाहिए वो जड़ी बूटी, और मैं इतना ये कर दूंगा, मैं ज़मीन से आपके निकाल के दे दूंगा, सोने की बिस्किट निकाल के दे दूंगा, और ये सब
जो कछुए पे काम, यार कुदरत ने इतने खूबसूरत जानवर बनाए हैं, इनको मार के पाप क्यों ले रहे हो? इसको मार के आपका क्या भला होगा, उल्टा आपको बद्दुआ लगेगी। ये अल्लाह पाक ने बनाया, ये भगवान ने जो बनाए ना, ये पशु पक्षु, ये जो ये सब बहुत खूबसूरत चीज़ है, आप अगर इसको ध्यान से देखो तो बहुत खूबसूरत चीज़ है, लेकिन इनके ऊपर क्रिया करके कुछ मतलब नहीं है। ज़्यादातर लोग हाथ की सफाई दिखाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं ज़्यादातर लोग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये विद्या नहीं होती, ये विद्या होती है, लेकिन बहुत कम, 100 में से केवल 2% लोगों के पास होती है। और इस चक्कर में पड़ने से ज़्यादा आप अपने मेहनत करो, मेहनत की रोटी खाओ, कोई अच्छे काम में, कोई बिजनेस में दिमाग लगाओ। वड़े पाव का ठेला भी लगाओगे तो उसमें आपको पैसा मिलेगा, इडली भी बेचोगे तो आपको उसमें पैसा मिलेगा, जिसमें पैसा मिलता है उसके पीछे भागो, इस चीज़ के पीछे भाग के कोई मतलब नहीं है। बड़ी बड़ी बात है दिमाग से, बाबा उधर इतना गोडाउन में ये पड़ा है वो पड़ा है, ये सब खाली एक वायरल हो गई ये बातें, और इसके अलावा कुछ नहीं है। और ऐसा कोई गोडाउन नहीं होता, ऐसा कोई ज़मीन में खजाने नहीं होता। जो खजाने होते बाप दादाओं के ज़माने के, पूर्वजों के होते, जो दबा कर चले जाते हैं, वो अलग बात होती कि वो निकल जाते हैं, वो मिल जाते हैं। लेकिन ये जो मनगढ़ंत कहानियाँ लोगों ने जो बना के रखी है अपने दिलो दिमाग के अंदर, ये सब बेकार है, कोई मतलब का चीज़ नहीं है। मैंने तो आज तक ऐसे काम करने वाले देखा नहीं। अगर आप लोगों की नज़र में ऐसे कोई करता है, या आपने इस तरह का कोई चमत्कार देखा है, या आपको इस तरह के कोई चमत्कार देखने को मिले हैं, तो मुझे मेल ज़रूर करिए babarizwankhan@gmail.com या guruji@gmail.com पर। मैं आपको उसकी पूरी जानकारी देने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि आपने देखा, आपने क्या देखा वो आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। मैंने नहीं देखा इसलिए मैं उसको कैसे समझूंगा, लेकिन ज़्यादातर मैंने बताया 98% ये सब चीज़ें नहीं होती है, 2% होती है। लेकिन उससे अच्छा कि मेहनत करके रोटी रोटी कमाओ, अपने बीवी बच्चों का पेट भरो। कई लोग आज ऐसे परेशान बर्बाद भटक रहे, समझाने के बाद भी भटक रहे। चलो मान लेते हैं कि अगर सामने वाला नींबू उठाता है, मान लेते हैं 1% मान लेते हैं, उसके उठाने से कौन सा नोट गिरने वाला है, उसके उठाने से क्या होने वाला है, मेरे को ये तो बताओ। उसके उठा देने से बारिश हो जाएगी, कुछ भी, कोई भी बात, मतलब बेमतलब का, सर ना पैर कुछ भी। सोचने वाली बात तो यह है कि इन सब चीजों को दिमाग में एक कहानी की तरह फिट कर दिया गया है, तो लोग उसी के पीछे भागते रहते हैं। ये चीज चाहिए, वो लकड़ी चाहिए, चितावर की लकड़ी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज पानी में घूम रही है, तो आप उसके आकार को तो देखो, पानी में छोड़ के देखो, आपको कुछ समझ में आ जाएगा। जो है अच्छा सीखो, और लोगों को जितना हो सके उतना अच्छा सिखाने की कोशिश करो। मैं यहाँ पर आया हूँ तो सिर्फ इसलिए YouTube पर कोशिश करूँगा कि मेरे स्वास्थ्य को मैं जल्दी ठीक करूँ, और आप लोगों की दुआएं मुझे लगे, और मैं YouTube पर आकर आप लोगों को और भी चीज़ें बताऊँ। तो याद रखिएगा, जब भी कोई काम होगा आपको, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो आप मेरे शिष्य शुभम जी महाराज जबलपुर मध्य प्रदेश को कॉल कर सकते हैं 8818885022। इसके अलावा आप किसी भी नंबर पर, किसी भी व्यक्ति पर यकीन ना करें। अब अगली वीडियो इससे भी बेहतरीन होगी, तो फिर मिलते हैं। चलिए, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। ऐसे रहस्यमय अमलिया चमत्कारी टोने टोटके साधनाएँ वजीफे मैं आप लोगों के साथ में लाता रहूँगा। मेरी किताब जीवन यात्रा रहस्यमय भाग 1 भाग 2 जो साथ में आ गई, जिसकी कीमत 1100 रुपये है, वो आप शुभम बिहोनिया जी से संपर्क करके ऑनलाइन मंगवा सकते हैं उनसे, या मेरे वेबसाइट www.babarizwankhan.com से भी ऑर्डर कर सकते हैं। जब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।